अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान और आज हम बेसिक स्पंज चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। उसमें है 1 कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे कर देंगे। अब हम 6 eggs ले लेंगे और eggs जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और मैं इनमें से इनकी जर्दी अलग कर दूंगी और सफ़ेदी अलग कर दूंगी। जर्दी और सफ़ेदी एक साथ बीट करें तो वो अच्छे से फ्लफ अप नहीं होता केक। ये सफ़ेदी अलग कर दी, अब हम इसको पहले अच्छे से बीट कर लेंगे। मैं इसमें वाइट विनेगर डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon, और इसे अच्छे से बीट करेंगे जब तक कि इसमें क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। जब इसमें ये वाला टेक्सचर आ जाए, अच्छे से बबल्स बन जाए, तो हम 1 कप शुगर, पाउडर शुगर ऐड करेंगे और टोटल शुगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं यूज़ करूँगी। अगर एक साथ सारी चीनी हम ऐड कर देंगे तो एकदम से ये लिक्विडी हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर्स का ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम स्लोली स्लोली इसमें शुगर पाउडर ऐड करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। ये 3rd batch भी मैंने डाल दिया है और बस इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब बस एग वाइट का मिक्सचर तैयार है, इसे साइड पे कर देंगे और अब एग योक्स में हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon और इसे बीट कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हमारा बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब जितना भी काम है हमें जस्ट इसे रोल करना है, रैप करना है स्पैचुला की हेल्प से। अगर हम इसे बीट करेंगे तो जितना फोम हमने बनाया है वो सारा का सारा बैठ जाएगा और हमारा फ्लफी केक नहीं बनेगा। अब मैं इसमें से कुछ मिक्सचर निकाल लूँगी और मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल मैंने लिया है 1/3 cup और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर दूँगी। मैं फिर बता रही हूँ, अब जितना भी काम है अब हम बीटर यूज़ नहीं करेंगे, अब हम हैंड ब्लेंडिंग यूज़ करेंगे और उसी से हम केक को आगे फर्दर लेके जाएंगे। अब जो हमने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे सबसे पहले, वो हम इसमें 1/2 करके ऐड कर देंगे 2 हिस्सों में और जस्ट इसे रैप करते जाएंगे। इसको बीट बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट रैप करना है और आपका रिक्वायर्ड कलर कुछ ही देर में आ जाएगा। रैप ही करते रहना है आपने। ये 1st batch जैसे ही इसमें मिक्स हो गया है, मैं इसमें 2nd batch ऐड कर दूँगी और इसे भी बस मैं रोल करती जाऊँगी। जब आपकी रिक्वायर्ड कलर आ जाए, जब आप मेक श्योर हो जाएंगे जितना भी पाउडर हमने ऐड किया था, पाउडर इंग्रेडिएंट सारे मिक्स हो गए, तो अब हम इसमें ये ऑयल वाला बैटर जिसमें हमने 1/3 cup ऑयल ऐड किया था ये ऐड कर देंगे और इसे भी दोबारा से हम रोल करना शुरू कर देंगे। बस अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसे मोल्ड्स में शिफ्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक जो बर्फ के कटोरे हम यूज़ करते हैं घरों में, मैं इसमें बना रही हूँ, ये बहुत इजी हो जाता है इसमें। अब ये बटर पेपर शीट में इसमें लगा दूंगी, ज़रा सा घी, देसी घी में ग्रीस कर रही हूँ और उसके बाद मैं इस पर बटर पेपर शीट्स लगा दूंगी। ये बटर पेपर शीट्स लगा दी हैं और अब मैं तमाम बैटर इसमें ऐड कर लूँगी। बैटर का हिसाब आपने ये रखना है कि अराउंड डबल वो फूलेगा, तो आपने उसका मार्जिन रख के बैटर ऐड करना है किसी भी मोल्ड। बैटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, तमाम बैटर आप अपने मोल्ड में शिफ्ट कर लें और उसके बाद इसमें इसको टैप करेंगे ताकि इसमें तमाम एयर बबल्स रिमूव हो जाए। अब मैं इसे नॉर्मल प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और प्रेशर कुकर में केक बहुत बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैंने 2 केक बनाए हैं, मैं दोनों के दोनों केक एक साथ ही रख दूंगी और मैंने इसमें कोई सॉल्ट नहीं लगाया है, बेस में कुछ भी नहीं लगाया है, जस्ट एक कटोरी ली थी और इसको उल्टा करके रख दिया था। बिल्कुल दम वाली आंच रखेंगे और 45 मिनट्स के बाद इसे हम ओपन करेंगे। ये मैंने 40 मिनट्स के बाद देखा था तो कुक नहीं हुआ था और जस्ट 5 मिनट्स मैंने इसे दोबारा बंद किया और ये टोटली कुक हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस वक्त। हम थोड़ी देर इन्हें काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और इन मोल्ड्स में से बाहर निकाल लेंगे। ये स्मॉलर केक जो था वो है।
और ये जो बड़ा वाला मोल्ड था ये वो वाला केक है। बस जस्ट अब हम इन्हें फ्लिप कर लेंगे और इस पे जो बटर पेपर लगा हुआ है वो उतार देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम इस पे एज सून एज पॉसिबल आइसिंग कर सकें। मैं इस पे आइसिंग यूज़ नहीं करूँगी, मैं इस पे चॉकलेट मिरर ग्लेज मेरे पास रखी हुई है पहले की, मैं इस पे जस्ट वो लगा दूँगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी केक बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।